हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनिमा पाल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? क्या आपको स्टेज पे खड़े होने से डर लगता है? क्या आपको किसी के सामने बोलने से डर लगता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि दुनिया में आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है और आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर ज्यादातर लोगों के बीच सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि पूरी दुनिया में कई जाने माने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस डर का सामना किया है और आगे बढ़े हैं। वारेन बफे से लेकर मार्क जुकरबर्ग, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर जैकी चैन तक, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस डर का सामना किया। लेकिन आप कुछ तरीके अपनाकर आप इस डर पे काबू जरूर पा सकते हैं, जैसे कि तैयारी करें और अभ्यास करें। तैयारी करें और अभ्यास करने का मतलब होता है, अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, किसी के सामने कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको नोट डाउन कर लें, जो भी आपके माइंड में चल रहा है या जो भी आप बोलना चाहते हैं, जहां से भी आप उठा करके बोलना चाहते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप उसका रिहर्सल कर सकते हैं और रिहर्सल के टाइम पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पर आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। समय लेकर धीरे धीरे बोलें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग अपनी स्पीच को बहुत ही तेजी से पढ़ देते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ समझाया नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया है, कुछ लिखा हुआ एक नोट पढ़ा गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे, रुक रुक कर समय ले लेकर के बोलेंगे, तो आपकी ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाएगी और आपको समझ पाएगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग के डर से लोग खुद पर फोकस करते हैं, हमें ऐसे बोलना है और हमें ऐसे दिखना है, हमें ऐसे खड़ा होना है स्टेज पे या पब्लिक के सामने कहीं भी, क्योंकि उनके अंदर इतना डर होता है, इतना नर्वसनेस होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे देख रहे होंगे। तो ये सारी बातें अपने दिमाग से हटा करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस पे फोकस करना है, जिससे आपका ध्यान आपकी ऑडियंस पे शिफ्ट हो जाएगा और अपनी घबराहट को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीच और अपनी ऑडियंस पर ही ध्यान दें। ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाएं और कोई छोटी छोटी कहानी, छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे स्लोगन सुना सकते हैं। ऑडियंस का ध्यान भी नहीं भटकेगा और उसको ऐसा रियलाइज होगा, ऐसा एहसास होगा आपके साथ, और वो आपके साथ एक कनेक्शन सा फील कर पाएंगी, ऑडियंस कनेक्शन सा महसूस कर पाएगी और समझ पाएगी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और हाँ, परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी ना सोचें कि हम परफेक्ट बोलें, परफेक्ट दिखें, परफेक्ट खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, क्योंकि स्टेज पे ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ एक चीज कि आपकी ऑडियंस आपसे कितना कनेक्ट हो पा रही है, कितना डीपली आपको सुन रही है, कितना डीपली आपको फील कर रही है। तो आप अपने आप को परफेक्ट बनने की कभी भी कोशिश ना, बस आपको वो टॉपिक, वो स्पीच, वो स्टेज, बस उतना ही याद रखना है और आपको उतने पे ही फोकस करना है, और फिर हो सकता है कि इन सब के बाद आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।